हाय गाइस, चलते हैं मुक्ति धाम का बाढ़ का आनंद लेने। और ये बाइक स्टार्ट हो गई है हम लोगों की और ये हम लोग निकल पड़े हैं रास्ते में। और ये हम लोग आ गए हैं गेट के पास यहाँ पे। और ये गेट के पास हम लोग पहुँच गए हैं और ये अंदर प्रवेश किए। और ये हम लोग जा रहे स्टैंड पे बाइक को खड़ी करने और आप लोगों को बाढ़ का आनंद दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग बाइक खड़ी करके उतरे हैं। ये देखिए यहाँ का माहौल है, बहुत लोग यहाँ पे घूमने आ रहे हैं क्योंकि बाढ़ इतना उफान पे है जो कि यहाँ एक घूमने का माहौल बन गया है और बहुत से दर्शक आ रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। ये देखिए पानी पूरा ब्रिज के पास पहुँच चुका है। वो देखिए इतना हमारे लाइफ में कभी नहीं हुआ था पानी। और ये देख सकते हैं आपको नौसड़ और गोरखपुर को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है जो। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये शमशान घाट है गोरखपुर का जहाँ पे। और ये यहाँ पे बना था राम मुक्ति धाम, वो जो पानी में पूरी तरह डूब चुका है। देखिए पानी का फैलाव इतना ज़्यादा है कि वो पूरा डूब चुका है ये मुक्ति धाम। यहाँ पे हम लोग आते थे क्रिकेट वगैरह खेलने, लेकिन इस समय 10 दिन से डूबने की वजह से हम लोग यहाँ पे आनंद नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जो लोग रहते थे, और बहुत सारा पानी हो गया है। चलते हैं अंदर एंड दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का माहौल। देखिए बहुत सी दर्शकों का भीड़ हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए टेंपल बना है, इधर का देखिए माहौल, घर पूरी तरह पानी में डूब चुका है। एंड ये भी मंदिर है, इसके अंदर पानी पूरा फैल चुका है। ये देखिए नाव से लोग गांव में जा रहे हैं। अंदर देखिए गांव में पूरी तरह पानी भर चुका है। ये बहरामपुर गांव पड़ेगा हमारा, प्राथमिक विद्यालय बहरामपुर दक्षिणी टोला है जो। और देखिए नाव से लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं और पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि जो कि घरों में घुस चुका है। और देखिए ये महंगी महंगी ज़मीनें लेके लोग घर बनवाए हैं जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है बाढ़ का। एंड देखिए पानी का फैलाव पूरे गांव में और पूरी तरह से है, यहाँ पे 20 फीट पानी होगा लगभग। और ये देखिए सभी लोग यहाँ का बाढ़ का आनंद ले रहे हैं एंड अपने गांव में घर में जाने के लिए वेट कर रहे हैं नाव का। ये देखिए, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ये जो बना है यहाँ का राम घाट है। ये राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मंदिर वगैरह घूमने के लिए तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पे जो पानी भरने की वजह से यहाँ का आनंद नहीं लोग उठा पा रहे। देखिए वो घर बना था बारिश वगैरह में आने के लिए, जैसे छुपने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह डूब चुका है। और ये देखिए हमारे जो साथ में आए हैं हमारे भाई हैं आकाश और वो शिवम, वो लोग जा रहे हैं आनंद लेने घाट का। आते हैं आप लोगों को घाट का आनंद लेने ये लोग गए हैं। देखिए पूरी तरह से भर चुका है। और ये हमारा देखिए सिटी दिख रही होगी आपको। ये देखिए अंदर पूरा पानी भर चुका है, मगर और ये देखिए पानी पूरी तरह से भर चुका है। पानी इतना तेज है कि इसमें नाव काम नहीं करेगी। अगर कोई भी आदमी अगर इसका आनंद लेना चाहता है तो नाव से जाएगा तो नाव डूब जाएगी, क्योंकि कल यहाँ पे डेली लोग डूब रहे हैं। और देखिए ये ब्रिज जो कि गोरखपुर और नौसड़ को कनेक्ट करता है, ये देखिए यहाँ का माहौल। इससे आज तो माहौल साफ है। एंड यहाँ पे देखिए आइसक्रीम वगैरह का सेलिंग अच्छी है। अगर आपको यहाँ पे घूमने का मन हो तो आइए, मगर बहुत ही सावधानी बरतिए और सावधानी पूर्वक आइए घूमने, क्योंकि दो बच्चे कल उस पार जो दिख रहे हैं वहाँ पे डूब कर मर गए हैं।
तो फिलहाल हम आप भगवान से कामना करेंगे कि आप लोग आइए घूमिए, मगर सावधानी पूर्वक घूमिए, अपना बचाव रखिए। और चलिए हम न्यूज़ को समाप्त करते हैं।